नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आईडीबीआई बैंक एसओ ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। आईडीबीआई बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए समेत कई पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। 134 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 134 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आईडीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर 7 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी सारी जानकारी वेबसाइट पर साझा कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए 62 भर्ती मैनेजर ग्रेड बी, 52 पद AGS ग्रेड सी और 11 पद DGM ग्रेड डी और 9 पद असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पद पर भर्तियों के लिए निकाले गए हैं। अब मजदूरों के फीडबैक को भी तवज्जो देगी सरकार। लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार आए थे, जिसके कारण ही सरकार के पास भी इन प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा मौजूद है। इससे पहले सरकार के पास कोई खास डाटा मौजूद नहीं हुआ करता था, मगर अब इस डेटा के माध्यम से सरकार मजदूरों से फीडबैक लेने जा रही है। इतना ही नहीं, अब ऐसे सरकारी मजदूर जो बिहार में ही काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार रोजगार देने की कवायद शुरू कर रही है। सिवान के आनंदबाग और सुंदरबाग मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सिसवन प्रखंड के बखरी गांव स्थित आनंदबाग और सुंदरबाग मठ में प्रतिवर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संत मेले का आयोजन किया जाता है। बखरी आनंदबाग में संत शिरोमणि श्री जगन्नाथ दास और सुंदरबाग में साधक प्रवर श्री भगवान दास की समाधि पर बने मंदिरों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। सभी धर्मों से प्रेम और भाईचारे की सीख एवं योग, सुविचार और सद्भावना के जरिए लोगों को संस्कारवान बनाने का जो प्रयास संत भगवान दास ने किया, उसकी गाथा आज भी गाई जाती है। यहाँ पर बिहार से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से, खासकर यूपी, बंगाल और दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बिहार के इन 5 शहरों में भी होगी नगर निगम की व्यवस्था। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर सामने आई है। जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5 और शहरों को नगर निगम बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर बिहार कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, जिसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बिहार के बक्सर, बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी और समस्तीपुर शहर को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा, जिससे बिहार में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 12 से 17 हो जाएगी। इससे शहर में रहने वाले लोगों की सुविधाएं भी जाएगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के निर्देश के बाद विभाग ने नए नगर निकायों के गठन और पुराने निकायों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 474 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,50,450 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 196 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सीतामढ़ी में 20 तो वहीं मुजफ्फरपुर में 28 मामले सामने आए हैं। स्टेनो भर्ती परीक्षा के छात्र के लिए अहम सूचना। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस स्टेनो सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित डिटेल एंटर करना होगा, इसके बाद ही अब कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। पंचायत चुनाव से पहले होगा 194 पंचायत का गठन। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृत लाल मीना ने बिहार में नए नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के गठन की कवायद से पंचायत चुनाव का गणित प्रभावित होने की बात कही है, जिसके बाद ही नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्रवाई से सूबे की 194 पंचायतों का भूगोल बदलने की तैयारी की जा रही है और उसी के अनुरूप अगले साल होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए बन रही मतदाता सूची में भी परिवर्तन होगा। उन्होंने आगे कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग से जो प्रारंभिक सूचनाएं आई हैं, उसके मुताबिक राज्य की 194 पंचायतों के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। राज्य के कुछ पंचायत पूरी तरह से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का हिस्सा बनने जा रही है। उन जगहों पर तो कोई समस्या नहीं आएगी।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चित्रगुप्त की। चित्रगुप्त का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में साल 1917 को हुआ था। चित्रगुप्त श्रीवास्तव, जिन्हें चित्रगुप्त नाम से भी जाना जाता है, हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक थे। चित्रगुप्त ने 1946 से 1998 तक फैली 150 फिल्मों के लिए संगीत की रचना की। उनमें से लोकप्रिय थे जबक भाभी, ऊंचे लंग, इंसाफ की मंजिल और काली टोपी लाल रुमाल 1962 में, मीना कुमारी और सुनील दत्त अभिनीत मुख्य चुप रहूंगी की रिलीज के बाद वो एक घरेलू नाम बन गए। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बन गई है और चांद जाने क्या खो गया और कोई बात नहीं दिल है जैसे गाने लोकप्रिय हो गए। बंगाल, झारखंड और बिहार की 28 ट्रेनों का हुआ विस्तार। कोरोना के कारण ट्रेनों के पहिए पर लगाम लग गया था, हालांकि अब समय के साथ वापस से ट्रेन के पहिए खुलने लगे हैं। वहीं अब बंगाल, झारखंड और बिहार की 28 ट्रेनों के समय में भी विस्तार कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का एक्सटेंशन करने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों को मार्च महीने तक विस्तार किया जाएगा। ये ट्रेनें बंगाल, बिहार और झारखंड के अलग अलग स्टेशनों से खुलती है, जिसकी पूरी जानकारी रेलवे ने साझा कर दी है। बिहार में एम्बुलेंस को ट्रैक करना हुआ आसान। मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करता रहता है। इतना ही नहीं, मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोज नए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य स्वास्थ्य समिति ने मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय 102 एम्बुलेंस सेवा की निगरानी की जाएगी। इस एप्लीकेशन के अधिकारी एम्बुलेंस की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। 102 एम्बुलेंस अब आसानी से हर किसी के लिए सुलभ होगी। लाइव लोकेशन ट्रेस करने के लिए इन्हें मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम के साथ ही एम्बुलेंस के लिए कॉल करने वालों को मिलती रहेगी। नए साल में राजधानी पटना में आवाजाही होगी और सुगम। राजधानी पटना को नए साल में बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिससे आने वाले समय में राजधानी पटना को 8 नए फ्लाईओवर और अंडरपास की सुविधा मिलने वाली है। इसके बनने से पटना के लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यातायात व्यवस्था भी सुगम हो जाएगी। उसमें बेली रोड पर बीपीएससी कार्यालय, ललित भवन, पुनाईचक हड़ताली मोड़, बिहार म्यूजियम के सामने बोरिंग रोड मोड़, दरोगा रायपथ, सर्कुलर रोड तथा बोरिंग रोड चौराहा शामिल है। इन सभी जगहों पर काम नए साल में शुरू हो जाएगा। आज होगी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक। बीते दिन जदयू के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जो कि बीते दिन शाम 5 बजे से शुरू हो गई थी, जिसका आयोजन कर्पूरी सभागार में आयोजित किया गया था, जहां कई मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। वहीं आज सुबह 11 बजे से ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसके साथ ही दोपहर 2:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। इससे पहले पिछले साल 30 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। कारण पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साल की पहली बैठक होने की वजह से यह महत्वपूर्ण है। दरभंगा राज्य के वासियों ने राजनगर के मंदिरों को लेकर बनाई अहम योजना। बिहार के दरभंगा राज भारत के बड़े राजघरानों में शुमार माना जाता है। दरभंगा राजघराना न सिर्फ भारत के बड़े भूभाग पर राज करता था, बल्कि इसने तकरीबन 400 साल तक लोगों के दिलों पर भी राज किया है। लेकिन इस महत्वपूर्ण राज परिवार की ऐतिहासिक धरोहर को दुरुस्त करने की योजना बनाई जा रही है। इसी क्रम में अब दरभंगा राज परिवार के वासियों ने इसे पर्यटन स्थल बनाने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत दरभंगा राज किला के किनारे से बहने वाले सरोवर को लेक व्यू की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वहां पर देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए कॉटेज बनाए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने अगले 5 साल के लिए तैयार किया रोडमैप। बिहार की भावी पीढ़ी को बेरोजगारी के दंश से बचाने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने अगले 5 साल के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले स्कूलों से होने वाली है, जो कि उच्च शिक्षा तक जारी रहेगी। अगले 5 साल के लिए तैयार किए गए शिक्षा का रोडमैप में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें अगले 5 साल में 50% छात्रों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है, जिसका पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने जल्द ही पेश किया जाएगा। राजद के ट्वीट पर भाजपा ने शेयर कर दिया वीडियो। बिहार में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा देने के लिए छात्र मालगाड़ी पर सवार होकर आ रहे थे, जिसको लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधा गया है, जिसके बाद राजद ने छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तेजस्वी ने यह वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में भाजपा ने लालू यादव के रेल मंत्री के तौर पर बीते कार्यकाल का पुराना वीडियो शेयर किया है। शेयर किए गए इस वीडियो में छात्र ट्रेन की खिड़कियों से लटक कर यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं।
भाजपा ने की जदयू के डेढ़ दशक से जमे विधायक को हटाने की मांग। अरुणाचल प्रदेश में मिले झटके के बाद अब पिछले डेढ़ दशक से गृह सचिव के पद पर जमे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी को हटाने की मांग भाजपा ने कर दी है। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भाजपा के एमएलसी संजय पासवान ने यह बयान दिया है। संजय पासवान ने अपने बयान में कहा है कि बिहार में 15 साल से एक ही व्यक्ति गृह सचिव क्यों है, यह नीतीश कुमार को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास अगर कोई इसका कारण या जवाब नहीं है तो फिर आमिर सुबहानी को हटाकर यह जिम्मा किसी दूसरे पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में जदयू में पड़ी टूट का बिहार में दिखने लगा है असर। कुछ दिनों पहले भाजपा ने जदयू को तब जोरदार झटका दिया जब जदयू के 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बाद से ही राजनीति जारी है, जिसके तहत विपक्ष लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। इसी क्रम में रालोसपा ने अपना बयान जारी किया है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि गठबंधन धर्म के विपरीत जाकर भाजपा ने जदयू विधायक को शरण दिया है, यह गलत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद नेता नीतीश कुमार को भाजपा से बचने के लिए गठबंधन में आने की सलाह दे रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पिता को देख भावुक हुए तेज प्रताप। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे थे। हालांकि पिता से मिलने से पहले उन्हें अनुमति लेना पड़ा। अनुमति लेने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। रिम्स में मुलाकात के दौरान लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने पिता से उनके सेहत के बारे में पूछा। पिता से मिलने के दौरान बिहार की राजनीति के बारे में भी चर्चा की। पिता और पुत्र को सुरक्षा कर्मियों से मिली इजाजत के बाद ही मिलने दिया गया। आपको बता दें, इससे पहले लालू के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पिछले हफ्ते अपने पिता से मिलकर गए थे। फास्टैग नहीं लगाना 1 जनवरी से पड़ेगा महंगा। 1 जनवरी से फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है। टोल टैक्स पर अब 1 जनवरी 2021 से नकद राशि के जरिए टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें, फास्टैग एक प्रकार का टैग है और स्टिकर है जिसे 4 पहिया और बड़े वाहन पर आगे के शीशे पर लगाया जाता है। वहीं राजमार्ग पर टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर वाहन पर लगे स्टिकर से डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए स्कैन कर लेता है। वाहन मालिक फास्टैग Amazon, Paytm, Snapdeal से लिया जा सकता है। इसके अलावा 23 बैंकों के जरिए भी इसे उपलब्ध कराया जाता है। NHAI के अनुसार फास्टैग का मूल्य 200 रुपए है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। कलकत्ता में 1861 में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली आज ही के दिन संपन्न हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1911 में पहली बार जनगणमन आज ही के दिन गाया गया था। झारखंड के धनबाद जिला स्थित चासनाला में 1975 में हुए कोयला खदान मामले में 372 लोगों की जान चली गई थी। भारत पाक युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सक्रिय लश्कर ए तैयबा ने 2001 में अब्दुल वाहिद कश्मीर को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया था। भारत के राजनेता तथा हिंदी साहित्यकार शंकर दयाल सिंह का जन्म 1937 में आज के दिन हुआ था। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को देख विराट पर उठे सवाल। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच बीते दिन से शुरू हो चुका है। वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग को देख जहां एक तरफ लोग अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विराट कोहली के नाम पर कई मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम कई सारे बदलाव के साथ मैदान में उतरी है। डेटिंग की खबरों के बीच साथ में दिखे कटरीना और विकी कौशल। क्रिसमस के मौके पर कटरीना कैफ ने अपने घर पर एक पार्टी रखी जिसमें विकी कौशल भी शामिल हुए। इसके अलावा इस पार्टी में करण जौहर, अनन्या पांडे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कबीर खान, ईशान खट्टर, अंगद बेदी और नेहा धूपिया ने भी इस पार्टी में शिरकत किया। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल कटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कोरोना के पहले विकी कौशल और कटरीना कैफ को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता था। कुछ समय पहले मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में विकी कौशल ने कहा था कि डेटिंग करने में कोई बुराई नहीं है, यह एक खूबसूरत फीलिंग है। बिना नंबर सेव किए भी अब व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं मैसेज। व्हाट्सएप पर आपको अनजान व्यक्ति को मैसेज भेजने से पहले सामने वाले व्यक्ति का नंबर सेव करना पड़ता है, मगर आज हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप बिना नंबर सेव किए भी मैसेज भेज सकते हैं। इस ट्रिक के लिए आपको व्हाट्सएप का एक लिंक तैयार करना होगा, जिस पर क्लिक करते ही आप सीधा उस व्यक्ति से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। लिंक तैयार करने के लिए सबसे पहले फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में जाना होगा। जब URL वाले पार्ट में आपको wa.me/phone number लिखना होगा। अब आपको कंटिन्यू टू चैट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और इस तरह आप बिना नंबर सेव किए मैसेज भेज सकेंगे।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,720 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,720 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। नए साल में पटना पुलिस की होगी पैनी नजर। नए साल के आगमन के पूर्व पटना के रिहायशी इलाकों के साथ साथ संदिग्ध इलाकों में शाम 7 बजे से 10 बजे तक सघन चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक थाने से एक मोटरसाइकिल दस्ता बनाया जाएगा और हर थाने के पुलिसकर्मियों को 31 तारीख की रात्रि से लेकर 1 जनवरी तक सड़कों पर ही रहने के आदेश दिए गए हैं। नए साल के जश्न में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती नजर आएगी। नए साल में पुलिस की तैयारियां मुकम्मल रहे इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पटना के होटल को भी लगातार जांच करने के आदेश दिए गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मेहता, मनीष मोहरा, रोहित गुप्ता, राधा श्याम, रुपेश कुमार, श्रेया कुमारी, असलम राज, तुषार कुमार, विपिन बिहारी, साजन राज, रवि कुमार, प्रियंका कुमारी, मनीष कुमार, मोहम्मद शहनवाज, सोमनाथ मिश्रा, सी के यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में जाने के बाद इसका असर बिहार के एनडीए गठबंधन में देखने को मिलेगा कि नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।